हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको राजा की नगरी की सैर कराता हूं, तो चलिए मेरे साथ। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम VSJ कॉलेज है, विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय, जो पहले राजाओं के अंदर आया करती थी, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने इसे कॉलेज बना दिया है। यहाँ के गार्ड्स ने अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया, इसीलिए मैं बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ अंदर के कुछ नज़ारे। और ये सबसे अंत में जो राजा राज करके गए हैं, उन्हीं के नाम पे ये कॉलेज है। चलिए आपको दिखाता हूँ ये कॉलेज कितने दूर में फैली हुई है। ये इसे पहले राजाओं ने, कई राजाओं ने इस्तेमाल किया, कई राजाओं का यहाँ राज था। समय तो समय बदलता गया। और ये जो आप वाइट कलर का इमारत देख रहे हैं, उसको हाथी महल कहा जाता है, जो चार हाथी के स्तंभ पे खड़ा है। इसमें ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले जो इंडिया में सीमेंट यूज़ हुई थी, तो वो इस हाथी के निर्माण में इस्तेमाल किया गया था। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, अब ये है दुर्गा मंदिर, जो बहुत ही बड़ी मंदिर है। जितनी बाहर से देखने में अच्छी लग रही है, उतनी अंदर से भी देखने में अच्छी लग रही है। अब इन मंदिरों का बहुत समय हो गया है, अभी कोई केयर टेकर नहीं रहे इस मंदिरों का। अब आपको ले चलते हैं राजाओं की नगरी में मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए। और ये जो राजा की नगरी है, 1500 एकड़ में फैली हुई है। इतनी बड़ी राजा की नगरी थी। दरभंगा महाराज के छोटे भाई ने, रामेश्वर सिंह ने बनाया था, जिनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1929 तक था। और ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ी मंदिर। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको नज़दीक ले जाकर। देखिए ये भी बहुत बड़ी मंदिर है। अब इस मंदिरों के अंदर और कुछ इमारतों के अंदर SSB वाले रहते हैं, उनकी बटालियन रहती है। और वो अब नौलखा मंदिर की तरफ आपको ले चलता हूँ, जिस पे कई कहानियाँ बनाई गई है, बनी है, जिसे कहा जाता है कि जब राजाओं ने बनाया था अपने समय में, तो इसमें 900,000 रुपए लगी थी। इसके एक मैं तथ्य और बता दूँ, जो इसके जो निर्माण में नक्काशी की 22 परतों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि ताजमहल में केवल 15 ही परतों का इस्तेमाल किया गया है उसके निकासी के लिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. काली मंदिर की तरफ, ये वही मंदिर है जहाँ जो व्हाइट मार्मल्स और आइवोरी से बनी हुई है,